आप मुझे बताइए, साहब कोर्ट का जो फैसला है इसमें दमनकारी नीति कहां से आई? अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं, मानहानि का आपके ऊपर दावा हुआ है, उसमें भी सम्माननीय कोर्ट आपसे बार बार कह रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए, और वो माफी मांग नहीं रहे हैं, इसमें पार्टी कहां से बीच में आई? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त जो हम बोल रहे हैं काम करने का, वो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी ये बोल सकते हैं कि आज तक जिन लोगों पे भ्रष्टाचार कानून के तहत जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई है? क्या वहां पे गबन नहीं हुआ था? क्या लालू प्रसाद यादव जी पे चारा घोटाला का आरोप नहीं था? ऐसे कई नेता जो इनके पहले भ्रष्टाचार में रंगे हुए थे, वो आज नरेंद्र मोदी सरकार में खुले हो रहे हैं। इसलिए ये विचलित होके या तो ओबीसी समाज पे आरोप लगाते हैं, कभी कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, कभी संविधान निर्माता और संविधान पे आरोप लगाते हैं, कभी हमारी सेना जो अपना पराक्रम दिखा रही है, जो पाकिस्तान को हमने घुटनों के बल ले आए, जो चीन हमारे साथ में हमेशा दगा करता है, उसके खिलाफ हमारा देश लड़ रहा है, तो उसको अच्छा बोल रहे हैं। ये सारी जो खराब नीतियां हैं वो कौन अपना रहा है, वो आप देखिए। जनता को पता है आज नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अंदर विकास के पथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आज अर्थतंत्र में मजबूत हो रहा है, हमारा देश आज विकास के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है, विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। G20 की हम आज अध्यक्षता कर रहे हैं, आज अमेरिका खुद कह रहा है कि भारत जो है वो नेतृत्व तो करेगा। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। आज हम इतने बड़े हवाई जहाज के ऑर्डर दे के पूरे विश्व के अंदर डंका बजा रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे विकास की गाथा ही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, और राहुल गांधी जी को ये जो सारी चीजें हैं इनसे कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंच रही है, ऐसा शायद महसूस हो रहा है। इसीलिए राहुल जी ऐसे उठपटांग बयान दे रहे हैं, और जिसकी सजा उन्हें कोर्ट ने दी है उस सजा के तहत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इनके साथ में ये कार्रवाई हुई है, जिसके ये खुद जिम्मेदार है। राहुल गांधी हमेशा बयान देते रहते हैं कि अडानी और मोदी जी का कोई क्या रिश्ता है, और उनको सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? आप खुद अभी उठा के देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जब बोलने का मौका मांगा वहां से उनको मौका मिलता है, और अगर उनके सदस्य जब हंगामा करते हैं तो वो चीजें तो उनको खुद को देखनी चाहिए। उसके अंदर राहुल जी अगर किसी पे आरोप लगाते हैं तो ये मनगढ़ंत आरोप है, और उनकी आपने खुद ने उनकी स्पीच सुनी हुई है, इसके पहले भी उन्होंने कई बार स्पीच दी है, कोई डिस्टर्बेंस हम लोग नहीं करते हैं। जरूर हम लोग हमारे देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उससे माफी मांगने की बात हम करेंगे, और ये हमारे देश के नागरिकों की आवाज है, और वो उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश का अपमान किया है, उन्होंने सेना का अपमान किया है, उन्होंने हमारे देश के है ही नहीं, उसके बारे में बोलना क्या, और अगर है तो ये वहां पे लाके उसके सबूत रखे, साहब मना कौन कर रहा है? हम हर चीज के लिए हर हमेशा मोदी सरकार तैयार है। आपने देखा होगा पिछले इतने सालों से ये जो मोदी सरकार चल रही है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे नहीं लगा, और इनकी सरकार में हर सत्र के अंदर एक ना एक भ्रष्टाचार आता था। उस भ्रष्टाचार के लिए ये लोग विचलित हुए हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार अभी इनको करने को नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिनों के पहले भी राहुल जी ने जब ये चर्चा की तो राहुल जी को कहा था कि आप आके अपनी बात लोकसभा में डिबेट के माध्यम से रखिए, लेकिन वो डिबेट के माध्यम से उस विषय को रखना चाहते ही नहीं। आज ये बजट जो था 1 तारीख से हमारे देश का बजट पास होके उस बजट को हमें वितरण करना था, हमें आगे बढ़ाना था, देश को हमें आगे ले जाना है, और ये लोग हंगामा करते रहे, उस सत्र को बर्बाद कर दिया।
बजट सत्र है, इसमें हम डिबेट करते, इसके अंदर हम चर्चा करते, चर्चा करने के बाद में हम उस बजट को हम आगे बढ़ाते, ये उस बजट को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधा बनना इनकी फितरत में है। ये जो कहते हैं कि मैं गांधी हूं, ये किसको अनुसरण कर रहे हैं वो तो इनको ही सोचना है, ये महात्मा गांधी जी को कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी को कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा जी ने भी आपने देखा होगा जब उनके हितों की बात आई तो कई बार कानून चेंज कर दिए, आपातकाल लगा दिया, तो इनकी पहले से ही मानसिकता यही है कि कहीं ना कहीं देश को हम गर्क की ओर ले जाएं और जो देश पिछड़ा हुआ था उस देश को पिछड़ा ही रहने दे। आज हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, निरंतर विकास कर रहा है। राहुल गांधी हमेशा कहता है कि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं हूँ। अब उस विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं इस विषय कांग्रेस और राहुल जी ये कहते रहते हैं कि हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तब से ये बीजेपी घबराई हुई और ताबड़तोड़ एजेंसियों के मार्फत से हमारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवा रही है, कहाँ तक सच है? कार्रवाई कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, तभी कार्रवाई हो रही है। तो बीजेपी घबराई हुई है उनके भारत जोड़ो यात्रा से? बिना कार्रवाई ऐसे तो कोई है नहीं कि हम लोग जो कार्रवाई अगर समझो एजेंसियां कर रही है, और एजेंसियां स्वतंत्र है, उन्हें अगर कहीं से पता चलेगा, अगर उन्हें कहीं से सबूत मिलेंगे, अगर उन्हें कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा तो वो कार्रवाई करेगी, तो उसमें गलत क्या है? अगर ये पाक साफ है तो इनको डरने की कहां जरूरत है? और बीजेपी भारत जोड़ो की यात्रा से कभी डरी हुई नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ में भारत की जनता है, और भारत की आपने देखा होगा इन्होंने इनकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में तो गुजरात में हम फतेह कर गए, गुजरात के अंदर हम जो जीते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा वहीं से तो निकली थी, पास में से ही। हम ये कभी हम नहीं, हम विकास को मानते हैं, हम विकास को लेकर आगे बढ़ते हैं और विकास को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा को लेकर पार्टी की क्या तैयारी है, किस प्रकार के सरकार बनाने को लेकर दावे हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं, जनता हमारे साथ है और जनता ने अब की बार पूरी तरह से मूड बना दिया है। राजस्थान के अंदर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में जो नए आयाम है, नए विकास के जो द्वार है वो सारे द्वार खुलेंगे और वापस यहाँ पे सुख शांति और समृद्धि के साथ में जो औरतों पे, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार बंद होंगे, यहाँ पे निरंतर जो इंडस्ट्रीज शुरू करनी है उस इंडस्ट्रीज को हम राजस्थान में तो रोजगार भी मिले। राजस्थान में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई चेहरे का नाम? भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल हमारा चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा, फूल के चेहरे पे हम इस चुनाव को